मुजफ्फरपुर के मालीघाट में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। एक ओर जहां पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, वो सर्विसिंग का काम करता था मालीघाट नाका पे, समझ गए। तो कल वो आया, हम उसको फ़ोन किए, 8-9 मरते नहीं उठाया। फिर उसका दोस्त था, उसका दोस्त के बोले जे बुआ तुम्हारा दोस्त कल तरह फ़ोन कर दे कहाँ हो। तो वो बोला जे हमारा फ़ोन ना उठा रहा। फिर हम चल गए घर। बीती रात एक आदमी को गोली लगने की सूचना है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मिठनपुरा थाना के द्वारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और परिजन के द्वारा जो भी लिख के दिया जाता है उसके हिसाब से हम लोग विधि सम्मत करते हैं। और रामगढ़ जिले में एक व्यवसायी की हत्या की रची गई साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। रामगढ़ पुलिस की टीम ने न सिर्फ व्यवसायी की जान बचाई बल्कि हत्या करने पहुंचे पांडे गिरोह के 2 सदस्यों को भी हथियार के साथ धर दबोचा। इस मामले की जानकारी SP प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। SP के मुताबिक दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, तत्काल एक टीम बनाकर दोनों की गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए दोनों अपराधियों के पास पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त किया है। थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि 2 अपराधी हैं जो एक पल्सर बाइक से घूम रहे हैं और किसी की हत्या करने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसमें पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और खास करके रामगढ़ थाना प्रभारी एवं उनके साथ 4 सब इंस्पेक्टर को लगाया गया था इसी काम के लिए। इस पूरे प्रकरण में कुल 4 लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो 2 आदमी हैं जो अभी पकड़ाया नहीं है उनके द्वारा हथियार मुहैया कराया गया था, तो 4 में से। सरायकेला जिले में पुलिस की तत्परता ने मॉब लिंचिंग की घटना होने से बचा लिया। दरअसल आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशियाना चौक के पास स्थानीय लोग चोरी के आरोप में एक युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ से मुक्त करा थाने ले गई। फिर मेरा बेटे बोलता मेरा मोबाइल नहीं है, जब बस्ती पल्ला ढूंढा रहा चोर को तो चोर को पकड़ा तो उसका पॉकेट से मेरा 2 मोबाइल निकला और बाकी पर पैसा चैन नहीं मिला है। और लड़का ने मोनू का नाम लिया कि मोनू था। ये मोनू कौन है, कहाँ रहता है? वही तो पकड़ा भी मोनू। अच्छा, मोनू पकड़ा। ये कहाँ रहता है? वो भी रहता वही परिबस्ती में, चाल्डी में। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पोलता गोराई है। अभी बिहार पुलिस अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। ताजा मामला सहरसा जिले का है जहाँ एक सिपाही खुलेआम दबंगई करते हुए नजर आया। दरअसल सब्जी लेकर जा रहे टेम्पू के पिछले पहिए के नीचे सिपाही का एक पालतू कुत्ता आ गया, जिसके बाद सिपाही ने टेम्पो चालक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान लोग मूक दर्शक बने रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने चालक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आरोपी सिपाही हर्षवर्धन कुमार ने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने टेम्पो चालक की पिटाई की है। आराम आराम से आ रहे थे, पीछे से कुत्ता आके गाड़ी में टकरा गया। तो हम ब्रेक मार के स्लो किए। उसका मालिक आया, जो वहाँ पे जो था, जो बोल रहा था अपने आप को ऑफिसर का सिपाही है, आया। उसके बाद हमको गाड़ी को अपना घर पे लगवा लिया, हमको उतार दिया और पाइप वाला बेल्ट अथी से लाठी से हमको जयपतार मारना चालू कर दिया। ऊपर से नीचे तो मारते रह गया, हम उसको हाथ पकड़े गोड़ लगे। बिहार का भोजपुर जिला अपराधियों के लिए सेफ जोन बन चुका है। जिले में हत्या लूट जैसी घटना आम बात सी हो गई है। यहां अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला जिले के जलपुरा गांव का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने घर में सो रहे अधिवक्ता के पुत्र को गोलियों से भून डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद घायल को आनन फानन में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हम तो आराम में रहते हैं, बंदिया सिंह के बगल में मेरा घर है। 12:30 फोन आया कि गुल को गोली लगा है, डॉक्टर साहब हम लेके आ रहे हैं, हम वहाँ से यहाँ आए हैं। कैसे गोली लगा, कहाँ सोए थे? घर में, कमरा में।
ऐसी लगा था कि वो खिड़की से खुला है, खिड़की से मारा। यंग लड़का है, मुझे जस्ट 15 मिनट पहले फोन आई थी, गनशॉट इंजरी है, दो इसके पेट में लगी है, पैर का फ्रैक्चर, लेफ्ट साइड में भी गोली फंसी हुई है, राइट हैंड का भी फ्रैक्चर हो गया, वहाँ भी गोली लगी, चार गोली तो स्टार्ट मैं देख रहा हूँ बीपी पल्स अभी। आरा के रत्नागढ़ गांव में एक महादलित युवती की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से गांव में सनसनी मच गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतका को मारने से पहले हत्यारे ने उसे बुरी तरह पीटा और बाद में गला दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद से मृतका के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मौत भइल जे माने खाली पीली सब दूनो। कौन दूनो? लड़की है, हमार लड़की है, दूनो दूनी आए कर रीता हुआ दूनो रही से। तो आइल नू तो करा को मारे लागल। आई सुत रहे थे। कौन मारने लगा? ऊ है बुआरा। अच्छा, मारे लागल तो कहे लागल जे देखा हला गुला मत कर न तो तोरो को मार देबो। सूचना मिला के औरत मरल। अच्छा, और कुछ ना? हम तो हमारे 6 किलोमीटर दूर घर फोन गए थे हमारे। जी तो आपको बता दें कि एक महादलित महिला की जघन्य रूप से हत्या कर दी गई। पहले उसे आरोपियों ने पीटा और पीटने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके बाद से परिजनों का काफी बुरा हाल है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य के नाम पर पैसों की लूट मची है। लूट भी ऐसी कि जनता कहने को मजबूर हो रही है, माननीय अब बस तो कीजिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक संवेदक भी इस मामले में लोगों की शिकायत करने के दौरान दुर्व्यवहार करते हैं। ताजा मामला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7 का है, जहां सड़क निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहां सड़क निर्माण के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर की, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। अब ऐसे में जनता को काफी परेशानी हो रही है, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।